नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। जो भी हमारे व्यूवर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, दुनिया में जहां भी हैं, हमेशा खुश रहे, सुखी रहे और संपन्न रहे। दोस्तों, इस बार जो शुक्रवार पड़ रहा है, ये बड़ा शुक्रवार है, क्योंकि आज शुक्रवार भी है और त्रयोदशी भी है और महालक्ष्मी व्रत चालू है, इसलिए ये दोनों ही दिन और भी ज्यादा पावरफुल है। दोस्तों, शुक्रवार ना भी हो, पूनम आ जाए, वो भी माता लक्ष्मी का दिन है। त्रयोदशी, तेरस माता लक्ष्मी का दिन है, भगवान कुबेर का दिन है। और जब ये दोनों चीज का समन्वय हो जाए, दोनों चीज मिल जाए, तो समझिए वो दिन और भी ज्यादा पावरफुल हो जाता है। तो आज का दिन माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए बहुत ही पावरफुल दिन है। आज आप संध्या समय एक छोटा सा काम करें जो मैं आपको बताने के लिए जा रही हूँ। यदि अच्छा लग जाए तो प्लीज लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी वीडियो प्राप्त करने के लिए, और जितना ज्यादा हो सके दोस्तों वीडियो को शेयर कर दें। वैसे भी दोस्तों एक बात मैं आपको बताऊं कि माता लक्ष्मी की जो पूजा होती है, सुबह करने के बदले यदि संध्या समय की जाए तो उसकी इफेक्ट बहुत ज्यादा पावरफुली काम करती है। माता लक्ष्मी हमेशा घर में शाम को 7 बजे के बाद ही आती है, जब दिया बत्ती का समय होता है। आपने देखा होगा संध्या समय कई घरों में बहुत नियम पाले जाते हैं, कई घरों में नियम नहीं पाले जाते। आप देखो वो घर में संस्कार नाम की चीज नहीं होगी, बर्बादी बहुत जल्दी ऐसे घरों में एंटर होती है जहाँ नियम नहीं पाले जाते, क्योंकि ये वो समय होता है संध्या समय, दियाबत्ती का समय, जब माता लक्ष्मी आपके घर में आती है। तो संध्या समय दोस्तों हमेशा घर का दरवाजा खुला रखना चाहिए, कभी भी बंद नहीं करना चाहिए। संध्या समय कभी भी अपशब्द नहीं बोलने चाहिए। खैर, इसकी मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी, संध्या समय क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ये भी, क्योंकि बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। लेकिन ये उपाय जो मैं बता रही हूँ आज के दिन आप जरूर करें, सोने से पहले या संध्या समय दिया बत्ती के समय, बहुत ही बढ़िया रिजल्ट आएगा। कोई भी आपका काम लंबे समय से नहीं हो रहा है या आपके घर में गरीबी है, जिस चीज को आप टारगेट बना करके इस उपाय को करें, माता रानी के सामने आप उसको पहले बोल दें कि मेरा ये काम हो, इसके लिए मैं ये उपाय कर रहा हूँ या कर रही हूँ। संध्या समय नहा धोकर स्वच्छ हो जाए, कोशिश करें लाल रंग के कपड़े पहने, माता रानी को धो पोछ कर स्वच्छ करें, उनके ऊपर हल्दी का, कुमकुम का तिलक उन्हें आप अर्पित करें, लाल रंग के पुष्प अर्पित करें, घी का दिया और अगरबत्ती लगा दें, दूध से बनी हुई कोई मिठाई उन्हें अर्पित करें, और उसके बाद में 3 इलायची माता रानी के सामने रखें और माता रानी से प्रार्थना करें कि आप इन तमाम चीजों को ग्रहण करें और मेरा ये वाला काम करें। जो भी काम हो, आपकी नौकरी नहीं लग रही है, घर में धन नहीं आ रहा है, शादी नहीं हो रही है, जो भी आपकी प्रॉब्लम हो उस चीज के लिए आप माता रानी से प्रार्थना करें। उसके बाद में तुलसी स्फटिक या कमल गट्टे की माला, तीनों में से जो भी माला अवेलेबल हो उसे ले, और माँ 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 ही इस मंत्र की 3 माला करें। 3 माला कर लेने के बाद माता रानी की आरती उतारें और 3 इलायची आप उसे उठाएं और मुंह में डाल दें, मतलब आप उसे चूस चूस कर खा जाएं। जब उसके छिलके थूकना हो तो उत्तर दिशा की तरफ थूकें। ये उपाय आप शुक्रवार शुक्रवार भी कर सकते हैं, तेरस तेरस भी कर सकते हैं और पूनम पूनम भी कर सकते हैं। इस उपाय को जैसे ही आपने शुरू किया, आपको खुद पता चल जाएगा कि कैसे माता रानी की कृपा आपके ऊपर उतरती है, असंभव काम भी संभव होने लग जाएंगे, घर से गरीबी हमेशा के लिए चली जाएगी। ये इलायची आपको दूसरे दिन नहीं खानी है, पूजा करके आप उठते हैं उसी दिन उसी समय आपको इसको खा लेना है, माता रानी का प्रसाद समझकर तुरंत आपको इसको एक्सेप्ट कर लेना है। 3 इलायची दोस्तों दुनिया बदल देगी, करके देखिए। कोई ऐसी बात हो जो समझ में ना आ रही हो तो कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछे अवश्य।
उपायों को करते रहें और हमेशा खुश रहें। जय श्री कृष्ण।